पूरा आधा घंटा हो गया, मैं काफी स्पीड से भाग रहा हूँ। मुझे किसी भी तरह करके इस ट्रेनिंग में ज्वाइन होना ही है। कमान, शिनचैन, किंगचैन और चौ भी मुझे देख रहे हैं, पर मैं रुकने वाला नहीं हूँ। यस, 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मैं भाग रहा हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया को हो क्या गया है, काफी देर से ये भाग रहे है और तक भी नहीं रहे। मुझे तो एक ही बात समझ आई है, फ्रैंकलिन भैया पता नहीं कहाँ पर ज्वाइन होने का सोच रहे हैं, पर फ्रैंकलिन भैया ने हमें बताया क्यों नहीं। मुझे तो लगता है ना फ्रैंकलिन भैया से पूछना पड़ेगा, फ्रैंकलिन भैया आप इतनी तेज रनिंग क्यों कर रहे हैं और कहाँ पर जाकर ज्वाइन होना है आपने। उफ यार, अब मजा आया जाकर। ओके, मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि मैं इस रनिंग मशीन पे इतना तेज क्यों भाग रहा था। मुझे ज्वाइन होना है आर्मी के अंदर और उसी के लिए मैं अपनी रनिंग इतनी ज्यादा तेज बना रहा था, क्योंकि अगर मेरे पास स्टेमिना काफी ज्यादा होगा तो मैं आर्मी के अंदर ज्वाइन हो सकता हूँ। अरे सच में फ्रैंकलिन भैया भी आर्मी मैन बनेंगे आप? फ्रैंकलिन भैया आप सोल्जर बनोगे? वाह, ये तो मेरा भी सपना था। फिर तो काफी ज्यादा मजा आएगा, फ्रैंकलिन भैया हम भी आपके साथ जाएंगे। क्यों नहीं, तुम तीनों भी मेरे साथ चलना और देखना कि मैं कैसे आर्मी के अंदर ज्वाइन होता हूँ। फिर मैं बनूंगा एक सोल्जर और फिर इस पूरी देश की रक्षा करना इस सोल्जर का फर्ज बन जाएगा। तो मुझे लगता है सिर्फ आधा घंटा रहता है तो मुझे मिलिट्री बेस के अंदर पहुँचना होगा, क्योंकि मिलिट्री कर्नल है जो मुझे ज्वाइन करवा सकता है। तो तुम तीनों भी रेडी हो ना मेरे साथ जाने के लिए? फ्रैंकलिन भैया क्यों नहीं, मैं तो काफी देर से रेडी खड़ा हूँ, मैं तो काफी ज्यादा खुश हूँ। हम लोग भी मिलिट्री बेस के अंदर जाएंगे और बहुत सारे सोल्जर्स को देखेंगे, वो सोल्जर जो देश की रक्षा करते हैं कितने ही ज्यादा पावरफुल होंगे ना, और उन्हें तो मौत से भी डर नहीं लगता। सो लेट्स गो, मुझे लगता है जाना चाहिए, हमें देरी नहीं करनी चाहिए, जल्दी से भाग कर आओ मेरे साथ तुम तीनों। ये रही अपनी गाड़ी, तो जल्दी से इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं। तो गाइस, आज मेरी आर्मी के अंदर ज्वाइनिंग होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फ्रैंकलिन ज्वाइनिंग लिख दो कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आर्मी में ज्वाइन हो सकूं। जल्दी से गाड़ी को भगाते हैं और पहुंचते हैं सीधा मिलिट्री बेस के अंदर, क्योंकि सिर्फ अब मेरे पास 25 मिनट रह चुके हैं। 5 मिनट तो इन लोगों की बातों ने जाया कर दिए। ये शॉर्टकट रास्ता है, मुझे इसी वाले रास्ते से जाना होगा। फ्रैंकलिन भैया आपको ये अपॉर्चुनिटी दी किसने? अरे तुम लोगों को शायद पता नहीं है, मिलिट्री कर्नल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और बस वो मेरा स्टेमिना चेक करना चाहता था। अगर मेरा स्टेमिना ठीक रहता है और मुझे टेस्ट करने के बाद वो सीधा मुझे सोल्जर बना देगा, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी तो फिर मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। अब बातें कम और गाड़ी को तेज भगाना पड़ेगा मुझे। ओके, गाड़ी भगा कर तो हम लोग सीधा पहुंच चुके हैं मिलिट्री बेस के अंदर। अबे सामने की तरफ से ये हटा क्यों नहीं रहे स्टॉपर? मुझे लगता है ना इसे तोड़ कर ही अंदर जाना पड़ेगा। और ये मिलिट्री बेस एरिया कितना ही ज्यादा बड़ा है, और ये मिलिट्री कर्नल मुझे मिलेगा कहाँ पर? मुझे इस सोल्जर से पता करना पड़ेगा। अरे मिलिट्री कर्नल कहाँ पर है, मुझे उनसे मिलना है। मिलिट्री कर्नल तो ट्रेनिंग वाले सेक्शन के अंदर ही होंगे, बहुत सारे लोगों की ट्रेनिंग चल रही है, तुम्हें वहाँ पर ही जाकर मिलिट्री कर्नल से मिलना होगा। इस जगह पर तुम गाड़ी ऐसे नहीं घुमा सकते, तुम्हें पता है मिलिट्री के रूल के खिलाफ है ये। ओके थैंक यू सो मच सोल्जर। ओके मैं अपनी गाड़ी को सही जगह पर पार्क करता हूँ। उसके बाद गाइस हम लोग मिलते हैं मिलिट्री कर्नल से। ओके गाइस, ये रहा ट्रेनिंग एरिया और मुझे गाड़ी को ना इसी साइड पे पार्क करना पड़ेगा। यहाँ पर तो बहुत सारे सोल्जर ट्रेनिंग कर रहे हैं और मिलिट्री कर्नल भी वो सामने की तरफ ही मुझे लग रहा है। जल्दी से आ जाओ शिनचैन, किंगचैन और चौप। ये रहा सामने की तरफ मिलिट्री कर्नल। ये क्या, ये तो मिलिट्री कर्नल नहीं है, मिलिट्री कर्नल कहाँ पर मिलेगा मुझे? देखो इस मिलिट्री बेस का मिलिट्री कर्नल चेंज हो चुका है, बस थोड़ी देर में वो आने वाला ही होगा, मुझे लगता है तुम्हें उनका वेट करना होगा। ओके मिलिट्री कर्नल चेंज हो गया, पर ये मुझे क्यों नहीं पता? फ्रैंकलिन भैया मुझे लगता है ना आपके साथ किसी ने प्रैंक किया होगा। अबे नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ कोई क्यों प्रैंक करेगा। वेट करते हैं और देखते हैं कौन सा मिलिट्री कर्नल है। मेरे ख्याल में उसी मिलिट्री कर्नल की बात कर रहे हैं जिससे मैं मिला था कल। मुझे लगता है शिनचैन और चौप गाड़ी के अंदर तो कुछ आ ही रहा है, ये मिलिट्री कर्नल तो लिए कहीं पे। फ्रैंकलिन भैया हम वेट करते हैं देखते हैं। ओके ये क्या है, ये तो स्पीकर मैन है, ये क्या हो गया, कहीं पर यही तो नहीं है मिलिट्री कर्नल इस मिलिट्री बेस का? हाँ यही है मिलिट्री कर्नल इस मिलिट्री बेस एरिया का, आज से यही कमांड करेगा इस सारी मिलिट्री बेस का। पर ये कैसे हो सकता है, अरे इन तीनों को अब मैं क्या बताऊंगा? फ्रैंकलिन भैया बोला था ना मैंने आपको, आपके साथ प्रैंक हो चुका है, लेकिन आपको अभी तक समझ नहीं आई, मुझे लगता है थोड़ी देर बाद आपको समझ लग जाएगी। नहीं मैं ये होने नहीं दूंगा, मैं भी इस मिलिट्री बेस एरिया के अंदर ज्वाइन होना चाहता हूँ और मैं भी एक सोल्जर बनना चाहता हूँ। बहुत खूब, मुझे काफी ज्यादा खुशी है कि तुम एक सोल्जर बनना चाहते हो। देखो तुम्हें कुछ टास्क पूरे करने होंगे। अगर तुम स्पीकर मैन के कुछ एलिमेंटल सूट ले आते हो, जैसा कि एयर एलिमेंटल सूट, फायर एलिमेंटल सूट, वाटर एलिमेंटल सूट और अर्थ एलिमेंटल सूट, अगर ये चारों एलिमेंटल सूट तुम स्पीकर मैन के ले आते हो, फिर तुम इस आर्मी में ज्वाइन हो सकते हो और एक सोल्जर बन सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी आज के लिए ही है और तुम्हें जल्दी से करना होगा जो कुछ करना है। ये क्या गाइस, अब तो मुझे लगता है काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, कोई और टास्क नहीं मिल सकता मुझे क्या?
मैं इस एरिया का मिलिट्री कर्नल हूँ और ये मेरा ऑर्डर है। सब लोग मेरे ऑर्डर पर ही काम करेंगे। जो भी इस आर्मी में ज्वाइन होना चाहता है और सोल्जर बनना चाहता है उसे मेरे एलिमेंटल सूट लाने होंगे और मुझे दिखाने होंगे, उसके बाद ही वो इस आर्मी में ज्वाइन हो सकता है। ओके तो ठीक है, मैं इस आर्मी में ज्वाइन होने के लिए कुछ भी करूंगा, मैं एक पक्का और सच्चा सोल्जर बन के दिखाऊंगा। पर उसके लिए मुझे स्पीकर मैन के एलिमेंटल सूट को कलेक्ट करना है। बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, मुझे लगता है वो कर्नल अगर होता या मैं कल ही ज्वाइन कर लेता तो अच्छा होता। फ्रैंकलिन भैया आप तो ये कर सकते हो ना, क्योंकि आपने तो सुपरमैन और फ्लैश के भी एलिमेंटल सूट को तो कलेक्ट किया है। मुझे लगता है आपको स्पीकर मैन के भी एलिमेंटल सूट को कलेक्ट करने में मुश्किल नहीं होगी। फ्रैंकलिन भैया हम लोग आपका सोल्जर बनना देखना चाहते हैं और आप पीछे नहीं हटना। गाइस फ्रैंकलिन भैया के लिए एक लाइक तो बनता ही है, क्योंकि वो सच्चा सोल्जर बनने के लिए कितनी मेहनत करेंगे। ओके गाइस अब मुझे जाना होगा स्पीकर मैन के एलिमेंटल सूट को कलेक्ट करने के लिए। सो रेडियो ना आप लोग मेरे साथ शिनचैन किंग चैनल चौप, तुम लोग यहीं पर रुको जब तक मैं लेकर आता हूँ स्पीकर मैन के एलिमेंटल सूट। तो जल्दी से भाग कर निकलते हैं, मुझे इस वाले एरिया से ही भाग कर निकलना होगा और पहुँचते हैं कहीं ना कहीं से ऊपर वाला मेरी जरूर मदद करेगा और मैं भी गाइस लेकर आऊंगा स्पीकर मैन के एलिमेंटल सूट। गाइस मैं तो काफी जगह पर भाग चुका हूँ और भाग के देख रहा हूँ कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ से मुझे पता चले कि स्पीकर मैन के एलिमेंटल सूट मिल रहे हैं, पर कुछ भी नहीं मुझे नजर आ रहा। एक मिनट, ये क्या, सामने की तरफ तो मुझे अवेंजर्स टीम नजर आ रही है। ओ माय गॉड, आज तो लाइफ में पहली दफा मैंने देखा अवेंजर्स टीम ने भी चैलेंज अनाउंस करवाया है। पर ये कैसे हो सकता है, ये क्या, ये टोनी ने लगता है ये चैलेंज अनाउंस करवाया। इस साइड पर तो थोर है, स्पाइडरमैन और हल्क, और नीचे बाइक, यानी कि ये बाइक रेसिंग चैलेंज होने वाला है। ओके गाइस ये क्या, ये तो मुझे एयर एलिमेंटल सूट नजर आ रहा है स्पीकर मैन का। फाइनली मुझे मिल गया ये सूट जिसकी तलाश में था। गाइस वो सूट तो मेरी आंखों के सामने ही है। टोनी ये क्या होने वाला है, मैं भी इस चैलेंज के अंदर हिस्सा लेना चाहता हूँ। देखो ये चैलेंज तो सिर्फ सुपर हीरो के लिए रखा गया है, सुपर हीरो इस चैलेंज के अंदर हिस्सा ले सकते हैं, पर तुमने भी हमारी कई दफा मदद की है तो मैं भी ये चाहता हूँ कि तुम इस चैलेंज को खेलो इन सुपर हीरो के साथ। तुम लोगों में से जो भी इस बाइक रेसिंग चैलेंज को जीतेगा उसे मिलेगा स्पीकर मैन का ये एयर एलिमेंटल सूट। तो तुम रेडी हो फ्रैंकलिन? क्या, मैं तो कब से रेडी ही खड़ा हूँ। ओके देखता हूँ मैं तुम लोगों को हरा कर रहूंगा। हल्क का गुस्सा आ रहा है, हल्क जीतेगा ये चैलेंज और हल्क को चाहिए वो एयर एलिमेंटल सूट स्पीकर मैन का। अबे तुम लोगों से ज्यादा मुझे जरूरत है, क्योंकि मैंने सोल्जर बनना है और आर्मी के अंदर ज्वाइन होना है। गाइस शायद इन्हें पूरी कहानी का नहीं पता, तो इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। ओके गाइस ये लोग तो देखो कैसे बैठ रहे हैं। ओके गाइस ये लोग तो बाइक के ऊपर बैठ रहे हैं और काफी स्पीड से भगा रहे हैं। स्पाइडर मैन तो सबसे आगे निकला। गाइस मुझे भी भगाना पड़ेगा अपनी बाइक को। ओके मैं सबसे आगे निकल चुका हूँ अब। ये लोग तो काफी ज्यादा पीछे रह चुके हैं और इस चैलेंज को मैं जीतूंगा। ओके वो सामने की तरफ आप लोग देख सकते हो फिनिश पॉइंट, और ये रहा इस फिनिश पॉइंट को मैं क्रॉस करने वाला हूँ। यानी कि ये चैलेंज मैंने जीत लिया है। अबे ये तो काफी ज्यादा इजी था, पर सुपर हीरो अभी तक पहुंचे नहीं। ये पहुंचा स्पाइडर मैन, फिर हल्क पहुंचा और थोर तो अभी तक नजर ही नहीं आ रहा। लगता है थोर की बाइक खराब हो चुकी है। दे वो भी अभी जाकर पहुंचा है। अबे तुम लोग अभी पहुंचे हो, ये चैलेंज तो मैंने जीत लिया है। मुझे जाना पड़ेगा सीधा टोनी के पास और टोनी से लेना पड़ेगा वो एयर एलिमेंटल सूट स्पीकर मैन का। गाइस मुझे नहीं यकीन था कि मैं इतनी आसानी से जीत पाऊंगा इन सुपर हीरो से। मैंने कहा कहीं पर ही अपनी पावर ही ना यूज कर ले सुपर हीरो। ओके टोनी स्टार्क ये चैलेंज मैंने जीत लिया है। तू तो ये समझ रहा था कि ये सुपर हीरो ही जीतेंगे, पर ऐसे चैलेंज में कई दफा खेल चुका हूँ। ओके वहाँ पर एक कैमरा लगा था और उस कैमरे में मैंने देख लिया सबसे पहले तुम ही पहुँचे हो, तो इस चैलेंज के रूल के मुताबिक ये एयर एलिमेंटल सूट तुम्हें मिलता है स्पीकर मैन का। थैंक यू सो मच टोनी स्टार्क। और गाइस ये रहा सूट, हमें तो पहला सूट मिल चुका है, जल्दी से इसे पहन लेना चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए। 1 2 3 एंड गो। ओके गाइस क्या ही अमेजिंग सूट है ये पीकर एयर एलिमेंटल सूट। हाँ मुझे जाना होगा गाइस और इसकी पावर को भी तो टेस्ट करना है। सबसे पहले मैं जंप मार लेता हूँ और क्या ही लॉन्ग जंप है अपनी इस सूट के अंदर। लेकिन अभी मुझे और भी एलिमेंटल सूट को कलेक्ट करना है, तो जल्दी से भाग कर जाते हैं ना। गाइस मैं आप लोगों को पावर दिखाता हूँ। गाइस स्पीकर मैन की ये वाली पावर देखना कैसे ब्लास्ट होते हैं। गाइस ये देखो स्पीकर मैन के इस वाली जगह से, ये स्पीकर मैन का फ्लैश। गाइस ये स्पीकर मैन के फ्लैश ब्लास्ट हैं। यहाँ से तो काफी लोग भाग कर निकले हैं। अभी ये कहाँ पर जा रहे हैं भाग के? इन लोगों पर थोड़ा सा मुझे ट्राई करना चाहिए। सॉरी मेरा मूड नहीं था तुम लोगों को मारने का, पर ऐसा करना पड़ा मुझे। गाइस ज्यादा तबाही नहीं मचानी चाहिए, मुझे यहाँ से जाना होगा। ओके भाग तो रहा हो क्या ही मजेदार तरीके से। एक मिनट ये कौन है अब सामने की तरफ,
ये तो कैप्टन अमेरिका है। कैप्टन अमेरिका तो मुझे काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहा है, इसके पास जाना होगा मुझे। अरे कैप्टन अमेरिका, क्या हो गया तुम्हें? इतने ज्यादा परेशान क्यों नजर आ रहे हो? परेशानी की तो बात है, एक तो एवेंजर्स टीम ने मुझे एवेंजर्स टीम में लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने चैलेंज अनाउंस करवाया था और उस चैलेंज में भी उन्होंने नहीं रखा, और ऊपर से मेरी गोल्ड की गाड़ी चोरी हो चुकी है। उस गाड़ी को मैंने एक एक रुपया जोड़कर काफी अरसे की मेहनत के बाद लिया था। अब मुझे समझ नहीं आ रही वो गाड़ी किसने चोरी की है। अब तक तो उस गाड़ी का हुलिया भी बदल दिया होगा उसने। मेरी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। तेरी गाड़ी गाइस, मुझे लगता है मैं इसकी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि गाड़ियाँ ढूंढने में और मुझे पता है कि गाड़ी चोरी करके कहाँ पर ली जा सकती है, तो उसका पता मैं लगा सकता हूँ। ठीक है कैप्टन अमेरिका, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। तेरी गोल्ड की वो गाड़ी मैं लेकर आऊंगा। क्या सच में तुम मेरी गोल्ड की गाड़ी लेकर आओगे? थैंक यू सो मच। देखो, अगर तुम मेरे लिए मेरी गोल्ड की गाड़ी लेकर आओगे तो मेरे पास भी स्पीकर मैन का एक एलिमेंटल सूट है, वो है फायर एलिमेंटल सूट, वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तुम मेरी मदद करो और मैं तुम्हारी। क्या सच में? बाप रे गाइस, ये तो ऊपर वाला मेहरबानी होता जा रहा है मेरे पर। ठीक है कैप्टन अमेरिका, तू स्पीकर मैन का फिर वो फायर एलिमेंटल सूट तैयार रखी और तेरी गाड़ी तेरे पास पहुँचेगी। मुझे जाना होगा गाइस। और गाइस, कैप्टन अमेरिका की गाड़ी मैं उसे यहीं पर ला कर दूंगा गोल्ड की। गाइस दो ही जगह है जहाँ पर वो गाड़ी हो सकती है, एक सिमियोन की प्रीमियम डीलर शॉप, वहाँ पर तो मुझे नहीं लगता कि वो होगी, और एक और जगह है गाइस गैंग वालों का घर। गाइस इस शहर के अंदर एक नई गैंग आई है, ब्लास्ट गैंग। गाइस अगर हम लोग उस ब्लास्ट गैंग के पास जाकर देखें, मुझे लगता है कैप्टन अमेरिका की गाड़ी उसी ने चुराई होगी। वैसे भी गाइस ब्लास्ट गैंग आज एक डील करने वाली है जिसके बारे में मुझे पता था, वहाँ पर गाड़ियों की डील होने वाली है, तो जल्दी से जाकर देखते हैं, हो सकता है वहीं पर हो कैप्टन अमेरिका की गोल्ड कार। गाइस मैं उस जगह पर तो पहुँच चुका हूँ जहाँ पर होने वाली है गाइस वो गाड़ियों की डीलिंग, लेकिन सामने की तरफ से एक रास्ता जाता है, मैं वहाँ से नहीं जाऊँगा क्योंकि हो सकता है वो गैंग वाले मुझे देख ले। मुझे इस बैक वाली साइड से जाना होगा जहाँ से मैं देख पाऊँ कि हो क्या रहा है। ओके गाइस, एक मिनट, ये पावर मुझे पता नहीं थी इस सूट के अंदर है, यानी कि मैं खुद को इनविजिबल कर सकता हूँ गाइस, और ये लोग मुझे देख नहीं पाएंगे। इन लोगों के सामने ही हूँ मैं, लेकिन ये लोग मुझे देख नहीं पा रहे, मैंने इनविजिबल कर लिया खुद को। ये क्या गाइस, ये एक गाड़ी खड़ी है, मुझे लगता है यही है कैप्टन अमेरिका की गोल्ड कार, और बाकी आप लोग देख सकते हो बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं। ये है गाइस, आप लोग देख सकते हो इस गैंग का बॉस, अब तुम लोग नहीं बचोगे, ये ले खतरनाक किस्म का वार, एक एक को मैं चौन चौन के मारूंगा, ये सारे लोग मारे जाएंगे। अरे इन लोगों को होश आने की देर ही नहीं लगेगी, मेरे इतनी स्पीड से फायर कर दिए गाइस, ये सारी गाड़ियां एक एक करके तबाह होंगी। फाइनली ये रही गाड़ी, जल्दी से इस गाड़ी के अंदर मैं बैठ कर निकलता हूँ। गाइस गैंग वाले मुझ पर शूट कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो कितने ज्यादा आ चुके हैं ये लोग, और इन लोगों पर भी मुझे शूट करना होगा। पहले तो मुझे यहाँ से बाहर कर निकलना होगा, कैप्टन अमेरिका की इस गाड़ी को सेफली लेके जाना यहाँ से। थैंक गॉड गाइस, गाड़ी को कुछ नुकसान नहीं हुआ। जल्दी से मैं कैप्टन अमेरिका को भी कॉल कर लेता हूँ। कैप्टन अमेरिका मैं तुझे लोकेशन भेज रहा हूँ, जल्दी से उस लोकेशन पर पहुँच। तेरी गोल्ड की गाड़ी मिल चुकी है मुझे, और हाँ यार से वो स्पीकर मैन का ना फायर एलिमेंटल सूट लेकर आना। क्या ही अमेजिंग गाड़ी है गाइस, आप लोग देख सकते हो कितनी स्पीड से भगा रहा हूँ मैं इसे। फाइनली गाइस हम लोग सेफली ये गाड़ी लेकर आ चुके हैं उस गैंग वालों से। वो तो अच्छा था गाइस के मेरे पास था स्पीकर मैन का ये एयर एलिमेंटल सूट, जिससे उन लोगों को मैंने धूल चटाई। गाइस लोकेशन तो मैंने यही बताई है कैप्टन अमेरिका को, और ये सामने की तरफ ही खड़ा है। उतर जाते हैं जल्दी से। कैप्टन अमेरिका ये है ना तेरी गोल्ड की कार। थैंक यू सो मच फ्रैंकलिन, तुमने स्पीकर मैन का तो ये एलिमेंटल सूट इकट्ठा किया, साथ में मेरी मदद भी की, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। सिनचैन, किंगचैन और जॉब ने भी मुझे बता दिया है तुम आर्मी के अंदर ज्वाइन होना चाहती हो और एक अच्छे और सच्चे सोल्जर बनना चाहती हो, तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम अपने पीछे देख सकते हो, तुम्हारे पीछे ही है स्पीकर मैन का फायर एलिमेंटल सूट। ओके गाइस मुझे पीछे मुड़कर देखना होगा। ओके ये रहा फायर एलिमेंटल सूट स्पीकर मैन का, क्या ये अमेजिंग सूट है, आप लोग देख सकते हो। तो देरी नहीं करनी चाहिए, जल्दी से मैं सूट को पहन लेता हूँ। 1, 2, 3 एंड गो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कैप्टन अमेरिका ये फायर एलिमेंटल स्पीकर वूमेन का सूट है, पर कोई नहीं, इससे भी मेरा काम चल जाएगा, मुझे यहाँ से जाना होगा। गाइस आप लोग देख सकते हो क्या ये अमेजिंग पावर निकल रही है, और यहाँ से सूट जल रहा है। अब जाते हैं यहाँ से भागकर, मुझे नेक्स्ट एलिमेंटल सूट कलेक्ट करना है स्पीकर मैन का, और देखते हैं वो कौन सा होने वाला है। दो ही रह चुके हैं, वाटर एलिमेंटल और अर्थ एलिमेंटल। मुझे लगता है नेक्स्ट वाटर एलिमेंटल ही सूट होने वाला है। इस साइड पर तो एक बाइक पड़ी हुई है, इसी बाइक के ऊपर बैठते हैं गाइस, और क्या ही अमेजिंग तरीके से गाइस, जैसे बाकी फायर एलिमेंटल सूट की पावर जलती है गाइस, इस तरह ये बाइक भी जल रही है। काफी अमेजिंग तरीके से ये बाइक भाग रही है, और भगाना पड़ेगा, एक मिनट रोकनी पड़ेगी अपनी बाइक।
ये मैं क्या देख रहा हूँ, इस साइड पर ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई चैलेंज वगैरह रखा गया है? पर जाकर देखना होगा और मुझे इन लोगों से पूछना होगा यह चैलेंज किसने अनाउंस करवाया है। यहाँ पर एक स्टंट चैलेंज रखा गया है, अगर तुम इस चैलेंज को जीतते हो तो तुम्हें मिलेगा स्पीकर मैन का वाटर एलिमेंटल सूट, और अगर इस चैलेंज को हार जाते हो तो तुम्हें मौत का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि गिरने के बाद तुम्हें हम लोग मार डालेंगे। तुम इस चैलेंज में हिस्सा ले सकते हो? ओके, मैं इस चैलेंज में हिस्सा लेने के लिए तैयार हूँ। गाइस, मुझे इस टेलीपोर्ट मशीन के अंदर जाना होगा और ये सीधा मुझे पहुंचा देगी उसी चैलेंज के अंदर। सो रेडी हो आप लोग? फाइनली गाइस, मैं इस टेलीपोर्ट मशीन के जरिए चैलेंज पर तो पहुंच चुका हूँ और ये चैलेंज कितना ही ज्यादा अमेजिंग है। पर सामने की तरफ बाइक रखी गई है, छोटी बाइक भी बड़ी, मैं इन बड़ी बाइक के ऊपर बैठने वाला हूँ। तो रेडियो गाइस, आप लोग भी मेरे साथ, क्योंकि हम लोग ये स्टंट चैलेंज करने वाले हैं। सबसे पहले तो इन फुटबॉल लोगों को मैं दिखेलने लगा हूँ यहाँ से। और क्या ये जंप मारा, कितनी स्पीड से जा रही, अपनी बाइक कंट्रोल करनी पड़ेगी, अबे नहीं तो सीधा नीचे हम लोग खाई में गिर जाते। ओके, यहाँ से क्या ही बचत करके निकले हम लोग। ओके, इस वाली साइड से ऊपर अपनी बाइक को लेकर जाना पड़ेगा। अरे बार बार हम लोग बच रहे हैं गाइस, इस रोलर से अपनी जान छुड़ानी पड़ेगी किसी तरह करके, वरना ये बाइक को उठाकर बाहर फेंक देगा। अब मुझे इसके साथ जाना होगा और ये जम गई और मैं इस साइड पे, इतनी आसानी से तो नहीं। ओके, इस वाले रोलर्स को भी गिराना पड़ेगा गाइस हम लोगों को। क्या खतरनाक तरीके से मैंने फेंका, सीधे नीचे ये दोनों। गाइस आप लोग देख सकते हो रोड के ऊपर ये टायर कितने ज्यादा उछल रहे हैं, और बाकी वो सामने की तरफ फुटबॉल जाकर गिरे। ओके, मुझे इन टायर को भी गिराना पड़ेगा, फिर इस कंटेनर से हम लोग सीधा नीचे जाते हैं। गाइस अपनी बाइक की थोड़ी स्पीड बढ़ा देनी चाहिए, मुझे लगता है मुझे सामने की तरफ लैंड करना है। गाइस अपनी बाइक तो हवा के अंदर है, काफी स्पीड से हम लोग जा रहे हैं। फाइनली सेफली तरीके से मैंने लैंड कर ली, और इस साइड पर ना गाइस कुछ बाइक पड़ी हुई है, मुझे लगता है ना आगे हम लोगों को बाइक को ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि आगे रास्ता काफी खतरनाक रखा गया है और इस साइड से लगता है वो दूसरी बाइक जा नहीं पाएगी। ये थोड़ी सी एडवांस बाइक है गाइस। गाइस सामने की तरफ बाइक लेकर जानी पड़ेगी, और काफी आराम से हम लोग लेकर जा रहे हैं गाइस ये जंप की, और ये सामने की तरफ बाइक की जंप की। अब हम लोगों को बाइक को तेजी से लेकर जाना है, रुकना नहीं है गाइस, अगर हम लोग रुके ना तो काफी बुरे तरीके से गिरेंगे, इसलिए रुकना नहीं है हमें यहाँ पे। ओके, जा रही है बाइक, गिरना नहीं है, और सामने की तरफ मुझे नजर आ ही रहा है गाइस स्पीकर मैन का वाटर एलिमेंटल सूट। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, मैंने कर दिखाया ये। तो गाइस इस सूट को मुझे लगता है जल्दी से पहन लेना चाहिए, काफी अमेजिंग सूट है। आप लोग रेडियो मेरे साथ, 1 2 3 एंड गो। फाइनली गाइस ये सूट भी मैंने पहन लिया है, स्पीकर मैन का वाटर एलिमेंटल सूट। मुझे भागना होगा, क्या ही स्पीड से भाग पा रहा हूँ मैं सूट के अंदर, और एक साइड से मैं दूसरी साइड पर भी निकल सकता हूँ। गाइस क्या ही अमेजिंग पावर है, और मुझे लग रहा था ऐसी पावर स्पीकर मैन के अंदर ही थी, पर वाटर एलिमेंटल सूट की पावर तो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। वाकई में ये तो फ्लैश की तरह काफी तेज टोर्नाडो लेकर आ सकता है। मजा आ गया, यानी कि अब हम लोग किसी का भी मुकाबला कर सकते हैं। जल्दी से भाग कर निकलते हैं यहाँ से, भाग तो रहा हूँ। एक मिनट, अब ये कौन खड़ा है? मुझे लगता है ना ये तो सुपर हीरो है। बैटमैन क्या कर रहा है सामने की तरफ, मुझे इससे पूछना होगा जाके। बैटमैन क्या हो गया, तुम इस जगह पर क्यों खड़े हो? तुम्हें तो डीसी लीग वाली जगह पर होना चाहिए था ना। स्पीकर मैन, मुझे इस शहर में हो रही तबाही कर रोकना है, मेरी मर्जी में जहाँ कहीं मर्जी खड़ा हो, कोई मुझे रोक नहीं पाएगा और ना ही रोक सकता है। मेरा मतलब वो नहीं था कि तुझे रोक पाना या रोक पाएगा, ठीक है तेरी मर्जी है। अगर मैं समझ रहा था मैं तेरी मदद कर सकता हूँ, तो वैसे भी मैं स्पीकर मैन हूँ, वो भी वाटर एलिमेंटल, तो मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। क्या सच में तुम मेरी मदद कर सकते हो? देखो अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मेरे पास है स्पीकर मैन का अर्थ एलिमेंटल सूट, जो कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ। इस शहर में एक गैंग तबाही मचा रही है, तुम्हें उसे मारना पड़ेगा ढूंढ कर, और उसके बॉस को भी खत्म करना होगा। अगर तुम ऐसा कर देते हो तो तुम्हें मिलेगा अर्थ एलिमेंटल सूट। हाँ क्यों नहीं, मैं ऐसा ही करूंगा, बस वो अर्थ एलिमेंटल सूट तैयार रखना, मैं आता हूँ बस थोड़ी देर में उस गैंग को और उसके गैंग के बॉस को मार के। और देखते हैं गाइस, मुझे तो इस साइड पर गैंग वाले नजर आ रहे हैं, उनके पास मुझे जाना पड़ेगा और उन्हें सबक सिखाना होगा। इसी साइड पर ही है जो तबाही बचा रहे हैं, बचेंगे नहीं, उसके बाद इनकी गैंग के बॉस को ढूंढो के ये रहे शहर के अंदर तबाही मचाते हुए। अरे तुम लोगों की ऐसी तैसी, मुझे इन पुलिस वालों की मदद करनी पड़ेगी। उसके बाद गाइस आप लोग देखना मैं इन लोगों के गैंग के बॉस को कैसे मारता हूँ, और ये लो खतरनाक किस्म का टोर्नाडो, इस सारे टोर्नाडो के अंदर आकर मर जाओ तुम लोग, सबको मार डालूंगा, फिर से मुझे टोर्नाडो लेकर आना होगा। गाइस मुझे हटना नहीं है,
टोर्नाडो काफी ज्यादा खतरनाक है, फिर से मैं टोर्नाडो लेकर आ गया। भाई ये कितने ही ज्यादा मर क्यों नहीं रहे ये लोग। ओके वो एक सामने की तरफ है, इसे पंच मारते हैं। गाइस इन लोगों को छोड़ना नहीं है, इन लोगों के पास काफी पावर है, इतनी आसानी से तो मरने वाले नहीं है। एक ये सामने की तरफ रहा, ये मुझ पर शूट करने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ दो रह चुके हैं और मुझे इन्हें ढूंढना पड़ेगा। मैं टोर्नाडो लेकर आता हूँ, ये लोग खुद ही बाहर आ जाएंगे इस टोर्नाडो के अंदर। सारे के सारे मर चुके हैं गाइस ये लोग, मुझे जाना पड़ेगा और इस गैंग के बॉस को ढूंढना है, तो जल्दी से भाग कर निकलते हैं। फाइनली रुक जाते हैं। ये देखो गाइस, इस गैंग के बॉस को ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे, ये तो मेरे सामने ही है। अरे तूने मेरी गैंग को मारा है, तूने क्या समझ लिया तू बच जाएगा? तू मेरे हाथों से बचने वाला नहीं है स्पीकर मैन, देखते हैं कौन है पावरफुल, तू या फिर मैं। गाइस ये तो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है और मेरे पीछे आ रही है। मेरा गाइस इसे टोर्नाडो के अंदर मैं लेकर आ चुका हूँ, क्या ही घसीट घसीट कर मार रहा हूँ मैं इसे। और ये रही लाइटनिंग स्ट्राइक गाइस जो मैं इस पर फेंकने वाला हूँ, कहाँ पर गया? ये ले लाइटनिंग स्ट्राइक ले, फिर से भाग कर जाते हैं, इसके ऊपर फेंकेंगे लाइटनिंग स्ट्राइक और इसे मैं अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक से ही मारूंगा। ओके क्या है खतरनाक पंच मार रहा हूँ, एक एक पंच लग रहा है। गाइस पहले से पंच की बरसात शुरू करते हैं, उसके बाद फिर से लाइटनिंग स्ट्राइक। तो भाग कर कहाँ पर जाएगा? मेरी लाइटनिंग स्ट्राइक तुझे पड़ती रहेगी। गाइस ये मैंने स्लो मोशन पावर एक्टिवेट कर दी और मैं इसके ऊपर बहुत सारी लाइटनिंग स्ट्राइक फेंकने के बाद स्लो मोशन पावर को डीएक्टिव करूंगा। ओके डीएक्टिवेट कर लिया, ये अभी भी यार इसे कुछ भी नहीं हुआ, बड़ा ही किसी खतरनाक किस्म का गाइस गैंग लीडर है ये। ओके अब देखते हैं कि क्या कर पाता है ये, मेरे पंच से बच पाएगा कि नहीं। ओके गाइस मार तो रहा हूँ मैं इस पर लाइटनिंग स्ट्राइक फेंक रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो, ये ले मेरी लास्ट लाइटनिंग स्ट्राइक। ओके ये तो जलकर राख हो चुका है। फाइनली गाइस मैंने मार डाला इस गैंग के बॉस को भी। हाँ मुझे जाना होगा गाइस बैटमैन के पास, क्योंकि उसके पास ये गाइस स्पीकर मैन का अर्थ एलिमेंटल सूट काफी खतरनाक होने वाला है, जो कि मुझे ही मिलेगा। तो भाग कर निकलते हैं यहाँ से, सीधा पहुँचते हैं गाइस बैटमैन के पास। ओके गाइस ये रहा सामने की तरफ बैटमैन, फाइनली बैटमैन, मैंने उन सबको मार डाला है उस गैंग के बॉस को भी। बहुत अच्छे, मुझे पता था तुम ये कर दिखाओगे, तुम अपने पीछे देख सकते हो, तुम्हारे पीछे ये स्पीकर मैन का अर्थ एलिमेंटल सूट। गाइस मुझे पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा। ओके ये क्या ये अमेजिंग सूट है गाइस, आप लोग लुक देख सकते हो इसकी, ये तो सबसे ज्यादा मुझे पसंद आया स्पीकर मैन का सूट जो कि अर्थ एलिमेंटल है। जल्दी से मैं इस सूट को पहन लेता हूँ, 1 2 3 एंड गो। थैंक यू सो मच बैटमैन, तुमने मुझे ये सूट दिया, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। अब जल्दी से गाइस यहाँ से भाग कर निकलते हैं। क्या स्पीड से मैं भाग पा रहा हूँ? ये सूट गाइस अब मुझे दिखाना पड़ेगा जाकर गाइस स्पीकर मैन को, और फिर मैं आर्मी में ज्वाइन हो सकता हूँ। गाइस मुझे चारों एलिमेंटल सूट मिल चुके हैं स्पीकर मैन के, और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं जा रहा हूँ सिंचन किंग चैनल, जो भी वहीं पर होंगे मिलिट्री बेस एरिया के अंदर, और कर्नल भी वहीं पर होगा। तो नेक्स्ट गाइस वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।